बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ख़ास कुरानी वजीफ़ा शेयर करेंगे जो औलाद के लिए है। बहुत से लोग औलाद की नेमत से महरूम होते हैं और उसके लिए दुआएं करते हैं। आज हम आपको एक ख़ास और मुअस्सर कुरानी वजीफ़ा बताएँगे जिससे इंशाअल्लाह औलाद की नेमत मिल सकती है। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि इनके घर में भी बच्चों की कलकारियां गूंजे। बाज़ुकात कुछ मुश्किलात की वजह से ये नेमत देर से मिलती है या फिर बाज़ुकात तो इस नेमत से महरूम रहना पड़ता है, मगर अल्लाह ताला की जात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। आज का वजीफा बहुत ही खास और बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफे के जरिए बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है। ये वजीफा कुरान पाक की आयात और कुछ खास दुआओं पर मुश्तमिल है। इस वजीफे को करना किस तरह से है? सबसे पहले तो आप वजू कर ले, क्योंकि पाकी बहुत जरूरी है। नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ना लाजिम है। इस वजीफे को करने का बेहतरीन वक्त तहज्जुद का है। अगर आप तहज्जुद ना पढ़ सके तो फजर की नमाज के बाद भी इस वजीफा को किया जा सकता है। तो आइए वजीफा की इब्तिदा करते हैं कि आखिरकार आपने वजीफा कौन सा करना है और किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा अव्वल में दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आखिर में भी दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब आपने अव्वल में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद आपने सूरह यूसुफ की आयत 86 को 101 मरतबा पढ़ना है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, स्क्रीन पर जो आयत आपको नजर आ रही है, आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 है। उसके बाद आपने सूरह मरियम की आयत 11 को 7 मरतबा पढ़ना है। सूरह मरियम की आयत को 7 मरतबा पढ़ना है। सूरह मरियम की आयत नंबर 11 को 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह अंबिया की आयत 89 को 41 मरतबा पढ़ लेना है। सूरह अंबिया की आयत 89 को 41 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने, आपको स्क्रीन पर जो दुआ नजर आ रही है, आपने इस दुआ को 101 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आखिर में 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, ये वजीफा कुरान पाक की खास आयात पर मुश्तमिल है। आपने देखा औलाद के लिए जितनी भी आयात हैं, इन सब को मिलाकर आपने इस वजीफा को करना है। पाकी का खास ख्याल रखें, वजू की हालत में ये वजीफा करें। वजीफा करते वक्त दिल में पूरा यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। किसी को ना बताएं ये वजीफा जब तक मुकम्मल ना हो जाए, किसी से ये बात शेयर ना करें। इस वजीफे से आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे, आपके दिल को सुकून मिलेगा, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भी आपको नवाजेंगे। प्यारे बहन भाइयों, आपने इस वजीफा को कम से कम 3 दिन तक करना है। 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन आपने इस अमल को करना है। अव्वल तो 1 दिन के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने लोगों को ये वजीफा बताया है उन्हें 1 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने खुशखबरी के साथ नवाज दिया। इंशाल्लाह आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है, आपने 3 दिन करना है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपने 7 दिन करना है। अगर फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आपने इस अमल को 11 दिन तक करना है। लेकिन दिल में कोई भी शक और शिबा नहीं होना चाहिए, पूरे यकीन के साथ करना है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को जरूर सुनेगा। प्यारे बहन भाइयों, जो भी अमल करना है यकीन के साथ करें। प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफे से आपको बहुत ही फायदा हासिल होने वाला है। आपको भी बताते चलें कि आपने इस वजीफा को 11 दिन तक लाजमन करना है। अव्वल तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह 1 दिन में ही आपको रिस्पॉन्स नजर आएगा। अगर ना नजर आए तो 3 दिन कर लें, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको 3 दिनों के अंदर खुशखबरी मिल जाए। अगर 3 दिन में भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आपने ये दिल में जरा भी नहीं सोचना कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं।
पता नहीं ये वजीफा अपना काम दिखाएगा या नहीं। इस तरह की बातें आपने बिल्कुल नहीं सोचनी। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जितने भी लोग आए हैं हमने उन्हें ये वजीफा बताया है। आप खुद देखिए जरा, कुरान पाक की सारी कीमती आयात हमने आपके साथ शेयर की हैं। ये सारी आयात औलाद के लिए हैं। आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी और आप हमें बहुत सी दुआएं देंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफा को करने की इजाजत हासिल करने के लिए आपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर नीचे कमेंट बॉक्स में डन लिख देना है और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक लाजमी करना है। उसके बाद आप इस वजीफा को कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको इस वजीफा से कितना फायदा हासिल हुआ है। जब आपको फायदा हासिल हो तब आप अपने बहन भाइयों, अपने अजीज रिश्तेदारों, दोस्तों में इस वजीफा को शेयर करें ताकि कोई भी औलाद की नेमत से महरूम ना रहे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।